नमस्कार, देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं दीप्ति पाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अब रतन सिंह परिवार की बहू बन चुकी हैं, क्योंकि सोनाक्षी सलमान खान के बचपन के दोस्त और बिजनेसमैन इकबाल रतन सिंह के बेटे जहीर इकबाल से शादी कर ली है। दोनों की शादी 23 जून को संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद से लगातार सोनाक्षी जहीर लाइमलाइट में बने हुए हैं। दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही दोनों को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच हम आपको बता दें कि जहीर के बारे में 5 ऐसी बातें जिससे शायद आप भी जानते होंगे। दरअसल 2019 में रिलीज हुई फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले जहीर ने लगभग 2 से 3 सालों तक सलमान को असिस्ट किया था। वो आए दिन सलमान के साथ शूटिंग पर जाते थे, उनके साथ डांस और डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस भी करते थे, सलमान के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे। उसके बाद उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग वर्कशॉप किया। उसके बाद सलमान ने उन्हें लॉन्च करने के लिए नोटबुक प्रोड्यूस की। जहीर बेहद ही शानदार गिटार बजाते थे। साल 2020 में जहीर ने गिटार बजाना सीखना ही शुरू किया था। कहा जाता है कि अब वो इसमें काफ़ी टैलेंटेड हो चुके हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जहीर के पिता इकबाल का ज्वेलरी का बिजनेस है, साथ ही वो भी बिल्डर भी हैं। लेकिन ये बात शायद ही आपको पता होगी कि फिल्मों की शूटिंग में जो लाइट्स का इस्तेमाल होता है, उसका भी वो बिजनेस करते हैं। वो बॉलीवुड की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, लाइट्स और ग्रिप्स सप्लाई भी किया करते हैं। जहीर बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फैन हैं और वे उनकी लगभग सभी फिल्में देख चुके हैं। एक इंटरव्यू में जहीर ने कहा था कि माधुरी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, वे एक ऐसी लेडी है जिन्हें मेरा पूरा परिवार पसंद करता है, मेरे पापा भी उन्हें पसंद करते हैं और मेरे दादा भी किया करते थे। सलमान और जहीर के पिता तो दोस्त हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ एक चीज़ और भी है जो शायद आप ना जानते हो। दरअसल सलमान की बहन अर्पिता और जहीर स्कूल में क्लासमेट थे। यस, फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।